हार और जीत को छोड़ करके आगे बढ़ना लाइफ, अब ये कैसे होगा? उसकी मोटिवेशन कहां से आएगी कि हार को भी छोड़ दिया, जीत को भी छोड़ दिया, बड़ी से बड़ी हार से भी फर्क ना पड़े और ये छोटी मोटी जो जीत होती है जिसको हम जीत समझते हैं उससे भी फर्क ना पड़े। कोई ऐसा मोटिवेशन जो लाइफ के एंड तक चलता ही रहे, जैसे ही वो हमको याद आए, एक मिनट सुनना, जैसे ही वो हमको याद आए तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाए। एक है बहुत एफर्ट लगा के आपको कोई छोटा सा काम करना पड़ रहा है, एक है बहुत बड़ा काम भी आप कर रहे हो बिना किसी एफर्ट। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपकी मसल स्ट्रांग है, बिल्कुल इसी तरह से थिंकिंग मसल, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई तो आप ये देख सकते हो आपकी थिंकिंग मसल्स कैसी है बेस्ड अपॉन कि आपका रिएक्शन कैसा है जब कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि ठीक है रियलिटी है, बट इस रियलिटी को बदला जा सकता है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। जब मैं इसको बदलने के बारे में सोचूंगी या इसको एक्चुअल में बदलूंगी तो क्या होगा वहाँ? क्या आराम से हो जाएगा सब कुछ? चैलेंजेस आएंगे। कितने चैलेंजेस आने वाले हैं? बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो मेंटली आपने अपने को क्या बोला? आई एम रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद में एंड में जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस लाख गुना ज्यादा मीनिंगफुल होगी उससे कि अगर मैं बिना किसी चैलेंजेस के जा करके थोड़ी बहुत कहीं पर सकता हूं। हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन, दिस इज द फियर ऑफ चेंज, कि ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है अगर ये बदल गई तो क्या होगा। इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द स्फीयर ऑफ द अननोन, आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड, वो तो 0.00001% है जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो और उसको पकड़ करके बैठे हो। आप कह रहे हो बस यही लाइफ, अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग है, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है। जबकि ऐसा नहीं है, इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं। तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन, इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, which is the very nature of life, which is the very nature of everything, because nothing is static in life. The positive attitude must be backed by a reason. It must be based upon your actions, not the results. Agar results ke base pe aapka attitude positive hai, to usko positive attitude nahi kahenge, usko bewakoofi kahenge. Isi wajah se log suicide kar lete hain. Ye jo emotionally hamari jo itni buri halat hai, emotional breakdown hai. If you try to suppress it, if you try to divert your attention from it, ye sab kaam nahi karega. और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट, देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं, तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। जो भी आपका गोल है कि मेरे को अगले 3 साल में 5 साल में ये करना है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए। हमने काम को करना शुरू किया, कुछ दिन तक किया, जो सोच करके किया था कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आया, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है।